गो रॉन्ग, तो नौरीन की पसंद जरूरी है तो साथ जाते थे, ज्वेलरी लेनी है जो भी लेनी है ज्वेलरी सेलेक्ट करके। शो से पहले मैं आपको बता दूं ज्वेलरी पे बहुत इन्होंने एम्फसाइज किया, नौरीन का जोर है कि ज्वेलरी के गिफ्ट बहुत सारे मिलते हैं। फायदा हुआ है मैंने कुछ नहीं ना। अच्छा ये आज इसीलिए नहीं पहना कि देखिए मेरे पास क्या पहना नहीं है, कुछ दिलाए मुझे कुछ भी नहीं इसलिए। अच्छा मैं एक मैसेज जरा सा दे दूं, पहली चीज तो ये है कि हम लोग आज के दिन कम अज कम एक रिजॉल्व तो करें कि नफरतों को कम करें और मोहब्बतों को बांटें। इसमें ये नहीं है कि ये बिलव के लिए ही वैलेंटाइन डे है, एक रॉन्ग कंसेप्ट है। भाई बहन जो होते हैं वो एक दूसरे को वालदा के साथ, मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छा वैलेंटाइन मेरा तो मेरी वालदा है जो हर दुख और सुख में मेरे साथ रही और आज जो कुछ भी उन्हीं की दुआओं की वजह से, और ये सबके लिए मैं समझता मेरे लिए नहीं इसे जनरल, ये एक सिंबॉलिक डे है कि जब वो एक आपको जिंदगी इतनी बिजी है मसरूफ है आप तो झुंझोड़ के कहना कि नहीं भाई मोहब्बतें भी तो है ना उसको भी कुछ बांटें और शेयर करें, लेकिन इस सिंबॉलिक डे से हम एक अपने आप में थोड़ा सा एक तब्दीली लाएं। और ये है कि नफरतें बहुत हो गई, बुराइयां एक दूसरे की नफरतें, अब थोड़ा सा मोहब्बतें बांट लें। यकीन करें ये जिंदगी बहुत हसीन है अगर इसको मोहब्बतों से और सुर्ख रंगों से भरा जाए जैसा आज आपने भरा। आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है इसलिए किसी ने आपको सरप्राइज देने की कोशिश की। अच्छा उनसे आप बात कीजिए और पहचानना तो बनता ही है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नुसरत। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग लाइक अख्तियार सैड। एक मिनट ना, आपका नाम थोड़ी बताया था मैंने इनको। हाँ जी, और आपकी आवाज भी बदलनी चाहिए थी, आपने तो फौरी अपनी आवाज में बोल दिया ना, पहचान गए आपको। नुसरत जैसे अभी अख्तियार भाई ने कहा कि दिस डे इज नॉट जस्ट फॉर लवर्स, यू कैन ऑल्सो विश योर ब्रदर योर भाभी योर मदर एंड एनीबॉडी। और आज मैं सबसे ज्यादा टच हुआ हूँ उस कॉलर से जिसने अपनी माँ के लिए वैलेंटाइन अब्दुल हनान, क्योंकि हमारा भी यही है कि हम मैं और अख्तियार बुके लेके मम्मी के पास जाते हैं, उन्हें हग करते हैं, उन्हें वैलेंटाइन कहते हैं। सही। और आज आपके प्रोग्राम में मैं अख्तियार को और नौरीन को हैप्पी वैलेंटाइन कहना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम दैट ही इज द बेस्ट ब्रदर एंड नौरीन इज द बेस्ट भाभी। बात है जी, मुझे तो लग रहा है कि अख्तियार बेग साहब उस जाने फोन के पीछे कहीं थोड़े थोड़े इमोशनल भी हो गए हैं। इमोशनल हो गए आप? हाँ जी, यू आर वेरी राइट, बिकॉज आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उसका इजहार भी बड़ा जरूरी होता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा नुसरत, कि हमें मोहब्बत के इजहार के लिए एक दिन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वी जस्ट नोट नीड वन डे जिसके अंदर माँ से और बाप से और अपने लव वन से कहें, एक दिन इसके अंदर मुहैया नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये पूरे साल रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर ने पूरे साल होना चाहिए, यानी पूरे साल जो है वो तोहफे.com की जो है उनकी पधिराई हो, पूरे साल उनको प्रॉफिट हो, पूरे साल उनका फायदा हो और बाकी लोगों की जेब खाली हो। ये यहाँ से फंड यू इस तरफ को जाए पूरे साल, ऐसे हो, बिल्कुल है ना, ये वाली बात है। फिर तो एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैंने आपका प्रोग्राम नए अंदाज से शुरू हुआ है बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया। इसको देखते हुए मैंने इसके लिए गीत लिखा है, पूरा मुकम्मल लिखा। इतने क्रिएटिव लोग हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ लिखा है। हमारे तस्वीर आती है, हमें एक्ट करके भी दिखा रहे होते लोग, हमने ये एक्ट आपके लिए प्ले किया है। जी सुबह नौ नल यारी मिलाई ते हो गया जुदाई सोनिए, सारे जग विच रौला हुण पै गया ते मच गई दुहाई सोनिए। सुबह नौ नल यारी मिलाई ते हो गया जुदाई सोनिए, सारे जग विच रौला हुण पै गया ते मच गई दुहाई सोनिए। भंगड़ा करने वाले मुश्ताक सोने नखरे जगते जवान नालो नुछो देने वखरे, सोनी सूरती रब ने बनाई ते हो गया शुदाई सोनिए। थैंक यू। जग विच रौला हुण पै गया ते मच गई दुहाई सोनिए।
बाजी बाजी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और आपके इतने दिल से गाने पे। हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर कंटिन्यू करते हैं। Lipton Yellow Label, a sip of inspiration. Lipton, drink positive. Lipton Yellow Label, a sip of inspiration. Lipton, drink positive. वेलकम बैक। और ये जितनी देर से बता रहे हैं हमें मेहदी साहब, यस डॉट कॉम याद है उनको, सिर्फ तोहफे भूल गई वो जो मेन उन्होंने तोहफे डॉट कॉम, उनकी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, बल्कि हम पूरे पीटीवी की जानिब से ये आपको अभी दे, इसलिए मैं देना चाहती हूँ कि चले एक तो हमारी रस्म पूरी हो ना, फिर हम गुफ्तगू करते रहे, आपको गाने वाने भी सुनवाए, जरा ये मेरा है है? ये कर देंगी ये नहीं, ये हमने बस एक ही रखा वो देखिए आप सही वक्त पे आज बोले, बोलिए बोलिए क्या कहा है, हिज एंड हर कंबाइन है, ये दोनों हिज एंड हर कंबाइन है, ये हमारी तरफ से है ना भाई, अगर हर का हो तो फिर ओके। हम एक सॉन्ग सुनाते हैं आप लोगों को, तुम ही तो हो, मौके की मुनासिबत से ये सॉन्ग आप सुनिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि कब कर लिया आपने, आप लोगों ने भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा है ना, और हमें पता चला है कि इख्तियार बेग साहब को बहुत अच्छी शायरी भी आती है। नहीं, शेर वेर पसंद करता हूँ बिल्कुल। कौन सा शेर पसंद करते हैं आज हो जाए ना जरा। मुझे मौके की मुनासिबत से एक अच्छा है, वो गाने में भी बाद में पेश किया गया है, वो मेरा पूछना तुझसे कि तुझको प्यार है मुझसे, वो तेरा मुस्कुरा देना मेरे कांधे पे सर रख के
नफी में सर हिला देना, बहुत याद आएंगे वो दिन सनम तेरी कसम। वाह जी, पहले से कह रही हूं याद आएंगे वो दिन। कोई जवाबन आप? नहीं मुझे नहीं, ये कोई बोलेंगे नॉट पोएट्री प्रोज, जवाबन सीधी सीधी कोई लाइन आप कहना चाहें। जबरदस्ती ने क्या कहा है? क्या नहीं कहा? वही करवाएंगे आज तो छोड़वा दे। अच्छा अच्छा सब अच्छा ही कहा। वो तो याद करना पड़ेगा ना। सोचना पड़ेगा। आपका ये टास्क है, अभी आप सोचिए, पेन भी है पेपर भी, अगर चाहिए तो लिख लीजिए। ऐसा बना आप सोच लीजिए। मुझे तो याद है, याद है तो बताओ। बताओ 99% शिकायतें हैं टाइम ना देने की। अच्छा, तो उसके मुख्तलिफ अफ़साद मुख्तलिफ तरीके यकीनन वो नौरीन को पता है, लेकिन जस्ट जो है वो यही है कि फिर आज वादा किया था, आज भी इस बार लंच पे बच्चों को लेके जाना था, इस बार छुट्टियां पोस्टपोन्ड हो गई, कैंसिल हो गई, ये वो ज्यादातर, लेकिन अब हम ट्राइंग टू मेक इट अप। आई कैन सी दैट यू आर ट्राइंग टू मेक इट अप बिकॉज़ शी इज गोइंग अलोन टू दुबई। शी इज गोइंग अलोन टू लॉर्ड ग्रैंड वैलेंटाइन जोन की बहुत बड़ी पार्टी है। देखें और हस्बैंड को यही होता है नौरीन कि मैंने गिफ्ट दे दिया, मैंने यूं पार्टी थ्रो कर दी है, इसको इंडिया पार्टी है, ये भी करेंगे, ये भी पार्टी करेंगे। इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा साहब बेगम को बिजनेसमैनों के साथ आए हैं। अगर वो मुस्कुराए चुप रहे इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं। खामोश बिजनेसमैन पड़ोसी मुल्क ओके 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 चले जी, वेरी नाइस। मेदी साहब आप हमें कुछ और भी बताना चाह रहे थे। जी मैं ये जो शुरू में बात हो रही थी कि तोहफे.com एक प्रोजेक्ट है, जाहिर है उसमें प्रॉफिट एंगल्स